अपने अंदर होने वाली जंग और आवाज़ों पे तवज्जो दो, जो अपने अंदर को नज़रअंदाज करके बाहर कामयाबी ढूंढने में लगा रहे वो हसरत और गम का शिकार रहता है। मुकाबले का असल मैदान खुद अपने अंदर ही मौजूद है, इसे पहचानो। और ये भी याद रखो कि अल्लाह का हर फैसला खैर है और इंसान का शिकवा उसकी कम नज़री और कम ज़र्फ़ी का नतीजा है। मैं तजर्बे की बुनियाद पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरी ज़िंदगी की तमाम नाकामियां मेरे लिए मुस्तकबिल की खैर साबित हुईं। मेरी नाकामियों ने जहां मेरे किरदार और कमज़ोरियों की निशानदही की, वहां बाद में साबित हुआ कि मेरे रब की मेरे मतलब प्लानिंग सबसे अच्छी और मेरे लिए असल खैर थी। अल्लाह अल्लाह है, वो मेहरबान है, वो शफकत फरमाने वाला है, दरगुजर फरमाने वाला है और करीम है। हदीस के मुताबिक वो अपने बंदे के गुमान के साथ है। सो बचत और कामयाबी अपने खालिक व मालिक से खुशगुमानी और इस महदूद व लामहदूद कायनात के रब खालिक मालिक और राजिक की रहमत पर भरोसे में ही पनाह है।